हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी का सीज़न आते ही सभी लोगों को आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और सभी इनको बाज़ार से लेकर के खाते हैं। लेकिन अगर हम घर पर भी इनको बना करके खाएं तो ये हमें ज़्यादा अच्छी रहती है और ये बिना मिलावट की हमारी बनती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रबड़ी कुल्फ़ी की एक आसान सी और सिंपल सी रेसिपी, जिसको आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध को ले लिया है। दूध हमारा फुल क्रीम वाला है, जो घर पर नॉर्मली घरों में दूध आता है उसी दूध का इस्तेमाल किया गया है। इसको हम लगातार चलाते हुए उबालेंगे जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। और आज हम इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाएंगे। आज की हमारी इस रेसिपी में हम ना कोई ब्रेड मिलाएंगे, ना कोई मैदा और ना ही कॉर्नफ्लोर। हम इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे और ये टोटली घर के जो नॉर्मल दूध होता है उसी से हम इसको तैयार करेंगे। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में घंटी के दिखने वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और चारों तरफ से जैसे जैसे दूध जमता है, इसकी मलाई जो चारों तरफ कढ़ाई में जम जाती है, उसको हम साथ साथ खुरच खुरच के इसको उतारते रहेंगे, तो उससे हमारी जो रबड़ी है वो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है, मलाईदार बनती है। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। जब हमारी दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो हम गैस को थोड़ा सा धीमा कर देंगे, ताकि ये बाहर ना निकले। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल सिंपल हम इसको अब नहीं करेंगे। जैसे जैसे दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है, अब हम इसको गैस को बीच बीच में कभी कम कर लेंगे तो कभी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हमें इसको लगातार चलाते रहना है। और अब ये देखिए, लगभग 15 मिनट पकने के बाद हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है। और इस तरह से हम चारों तरफ से इसकी मलाई भी उतार के इसके अंदर ही डाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर 2 इलायची, हरी इलायची, जो उसको हम पीस करके डालेंगे, उसके दानों को निकाल लें, छिलके उसके ना डालें, उसके दानों को पीस करके इसके अंदर हम डालेंगे एक अच्छे से स्वाद के लिए। ट्रेडिशनली जो रबड़ी कुल्फ़ी बनाई जाती थी वो इसी तरह से बनाई जाती है। और जब ये हम इलायची के दानों को पीसते हैं तो उसके बीच में हम थोड़ी सी अगर चीनी डाल लें तो वो बहुत जल्दी पीस जाते हैं और एक अच्छा सा पाउडर बन जाता है। तो ये देखिए, हमारी इलायची जो है बिल्कुल पीस गई है, बिल्कुल बारीक पाउडर हो गया है। और अब हम इसको दूध के अंदर मिला देंगे, जो हमारी रबड़ी हमने तैयार की है उसके अंदर इसको हम मिक्स कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गैस को हम बिल्कुल अब धीमा ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, यानी मिठास के लिए हम यहाँ पर 1/2 कटोरी चीनी मिला रहे हैं, या आप यहाँ पर देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 लीटर दूध की मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 कटोरी, जो नॉर्मल घरों में यूज़ होती है, 1/2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हम चारों तरफ से बर्तन से इसकी मलाई को उतार के इसके अंदर कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी बिल्कुल गाढ़ी रबड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो थोड़ी देर में ही ये हमारी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब बारी आती है कुल्फ़ी को सांचों में डालने की। तो अब हम इसको, जो भी आपके पास आइसक्रीम के मोल्ड उपलब्ध हों घर पे, उनमें डाल सकते हैं। इस काम के लिए आप बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है गर्मी के सीज़न में साथ में कुल्फ़ी जमाने में, अगर उनको हेल्प के लिए लिया जाए तो बहुत जल्दी इस काम को करते हैं। तो सभी सांचों में हम इसको डाल लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह के सांचे नहीं हैं तो आप कटोरी या घर में जो गिलासी होती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी शेप में हमारी कुल्फ़ी जो है बन जाती है। तो हमारे पास ये कुल्फ़ी के मोल्ड है, तो हमने इसको इसके अंदर अच्छे से जमा लिया है।
और अब हम इन सभी को बंद करने के बाद अच्छे से इसको लगा देंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में पूरी रात भर हम इनको रखेंगे। और ये देखिए हमारी सारी कुल्फियों को हमने इसमें भर लिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो किसी भी गिलास में या कटोरी में जब हम आइसक्रीम को जमाएंगे तो उसके ऊपर सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करें, उससे उसके अंदर जो बर्फ़ जमती है वो नहीं जमेगी। खुले में इनको ना रखें। कुछ लोग बिना ढक्कन लगाए आइसक्रीम जमने के लिए रख देते हैं तो उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स जम जाते हैं, तो इसलिए इसको सिल्वर फॉइल से कवर करके ही रखें फ्रीजर में। और अगले दिन हम अभी अपनी आइसक्रीम अपनी कुल्फी रबड़ी कुल्फी को निकाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी रबड़ी कुल्फी एकदम बनकर तैयार है, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसी तरह से थोड़े से गर्म पानी या हल्के से पानी के अंदर ही हम इसको डालेंगे और निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम बन कर के तैयार है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए जो हमने गिलास और कटोरियों में भी आइसक्रीम को जमाया था वो भी बड़ी अच्छी बन कर के तैयार हो गई है। आशा करते हैं आपको हमारी ये रबड़ी कुल्फी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।